अगर कोई फॉलोअप पे आता है तो फर्स्ट सेशन जो मैं उनको बोलती हूँ कि चलें स्टार्ट करें, मैं बोलती हूँ कि सर कार्ड्स निकाल लीजिए अपनी. सो वो डाटा इंटरवेंशन के कार्ड्स, मतलब हमने उनको जैसे हमने एक आईडी अपनी, हम आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड, इतना नॉर्मल साइज का होता है हमारा आई कार्ड. सो उस तरह से हमने डाटा इंटरवेंशन के सारे इंसिडेंट्स भी ये करें इंकरेज आवर पेशेंट्स कि वो अपनी आईडी बनाएं और एक एक इंसिडेंट एक एक कार्ड पे बनाएं. सो नॉर्मली ये प्रैक्टिस बहुत चलती है कार्ड्स बनाने की. सो टू डेज बैक जब वो फॉलोअप है, मैं कहा सर कार्ड्स निकालें, एंड सरप्राइजिंगली वो कार्ड्स का नंबर कितना होगा, 100. मतलब 100 कार्ड्स बने हुए थे. तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली हम जब बनाते हैं कार्ड्स 10 इंसिडेंट्स 11 इंसिडेंट्स, अब आप देखिए जिन्होंने 100 कार्ड्स बनाए होंगे तो उनकी लेवल ऑफ क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अपनी इलनेस को लेके कितनी को बढ़ गई होगी. क्योंकि जब वो प्रोग्राम करके गए तो देर वर अराउंड 35 मे बी, कितना हम उनको एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, एंड ही टोल्ड मी कि 100. मैंने कहा चलो आज रहने देते हैं. दोनों. क्योंकि जब हमने कल भी बात किया था कि डाटा इंटरवेंशन एक थेरोप्यूटिक टूल है जिसको हम बेसिकली कहते हैं आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए कि ये जो बीमारी आज आपको दिख रही है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलिए कि रिसेंटली आपको ट्रीटमेंट में आने की क्या नीड थी, ठीक है, वो लास्ट वन वीक के या लास्ट मंथ में क्या सिम्टम्स आ रहे थे, फिर आप चेंजेस उसके पिछले 6 महीने में क्या देख रहे थे, फिर पिछले 1 साल में क्या देख रहे थे, एंड वो चलते चलते आप देखेंगे कि बीमारी तो कितने सालों से थी जिसको हम हमेशा अंडर कवर में या इग्नोर कर रहे थे. सो इट्स बेसिकली दोनों के लिए वो काम करेगा वो आईडी, ताकि आपकी पेन सरफेस पे रहे, ठीक है, क्योंकि वो फैमिली की पेन इसलिए ताकि वो ना भूल जाएं कि नीड फॉर ट्रीटमेंट क्या थी, वो क्राइसिस क्या था जब हम उसको यहाँ पे लेके आए, और पेशेंट की इसलिए नीड है क्योंकि जो उसकी प्लेजर वाली जो एक फाइल बनी हुई है, जो स्टोर है, वो जब वापस पॉपअप हो तो उसके सामने वो कार्ड्स, और वो होते क्या है. एंड दिस आइडिया वॉज गिवन बाय वन ऑफ द पेशेंट ओनली बिकॉज दे आर वेरी क्रिएटिव. दे सेड कि मैम वो मतलब बना के ना उसको मैंने कार्ड्स बना लिए और वो कार्ड मैं ताश की तरह अपने पास रखता हूँ, फिर जब क्रेविंग आके किसी दिन मन करता है कि कोई वीक एक्शन करूं तो फिर मैं वो उसको शफल करके कार्ड को पत्तों की तरह टेबल पे रखता हूँ और फिर मैं कार्ड पढ़ता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं क्यों नहीं करना. सो इट रियली वर्क, सी दैट उनके लिए ये आइडिया वर्क किया, एंड मेरे इस पेशेंट के लिए उन्होंने 100 अपने आई कार्ड, वो जो कह रहे थे कि अपनी आई डीज बनाई है वो मतलब पॉकेट में नहीं होता, तो वी जस्ट गिव देम आइडियाज कि कल बात हो रही थी कि आप वो स्क्रीन सेवर वॉलपेपर बना लीजिए मोबाइल का, ताकि आपकी वो फाइल अब पक्की होती जाए, क्योंकि वो पुरानी प्लेजर वाली फाइल बड़ी स्ट्रांग है. तो आप जैसे मतलब एक नया कपड़ा लेके आते हैं उसको अलमारी में ऊपर रखते जाते हैं, ठीक है, तो आपके पुराने कपड़े नीचे नीचे चले जाते हैं. तो उसी तरह जब आप प्रोग्राम में बहुत सारे जब टूल स्किल्स सीखते हो, अपने ये नए इंसिडेंट्स आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि इनको कैसे डील करना है, अपनी क्रेविंग्स को कैसे मैनेज करना है, उन अर्जेंसी को कैसे डील करना है, तो आपकी नई फाइल्स बन रही. अब नई फाइल्स नेचुरली ऊपर जाएंगी तो पुरानी फाइल नीचे जाए. अगर वो बाय चांस कोई भी ट्रिगर से वो पुरानी फाइल पॉपअप हो जाए तो आपके पास इन हैंड आपकी आईडी तो है, क्योंकि हो सकता है कि कल आपके रिश्तेदार जाके कह दे कि क्यों इलाज करवाना है, की जरूरत है, तो आपके पास आपकी आईडी बनी हो कि ये जो मुझे आज जो सारे सलाह दे रहे हैं क्या इनके घर में बीमारी है, और मेरे उस दिन क्या हालात थे कि जब मैं अपने बेटे के लिए डेस्परेट थी ट्रीटमेंट सेंटर में लेके जाने के लिए, उसका इलाज, उसको गेट वेल करने के लिए, ताकि वो आपकी पेन आपको मोटिवेट करते रहे, क्योंकि उस पेन में एक प्रोपेलिंग फोर्स है जो आपको आगे बढ़ाए. क्योंकि हम भूल जाएंगे, ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट लिव्ड, और प्लेजर तो वैसे जब ठीक होना सब शुरू होगा तो लाइफ ठीक होनी शुरू होगी. और ये तो निधि मैम हॉस्पिटल में ही शुरू हो जाता है, जब हम पेशेंट को इस हालत में लाते हैं और 2-3 दिन में जब वो खाने पीने लग जाता है, थोड़ा बेटर लग जाता है, हम तभी भूल जाते हैं.
अब आप सोचो जो जिंदगी भर अंदर बीमारी बैठी है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सब 4, सब कुछ ठीक चल रहा है, और हम 20 साल बाद जाके भूल जाए कि ऐसा हो सकता है, बीमारी अंदर बैठी है और डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है, तो मतलब इस तरह की ये बीमारी है, इसलिए इतनी तैयारी है। अब जिसने 100 कार्ड, मतलब ये चीज निधि मैम ये नहीं कह रही कि वो फाइल चली जानी है गुड फीलिंग वाली, वो कहीं नहीं जानी है, पर जिसने कुछ फाइल्स के ऊपर वो 100 फाइल रख दी है तो वो नीचे जरूर दब जाएगी। दिमाग कुछ भी नहीं भूलता। और हमारे लाइफ में चैलेंजेस जो मैं बात कर रही थी, वही निधि मैम बोल रहे हैं कि चैलेंजेस आने हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई ट्रेजेडी हो जाए, हो सकता है कोई हादसा हो जाए, हो सकता है कोई बहुत बड़ा ट्रिगर हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, जिसकी वजह से वो दबी हुई फाइल बाहर आ जाए, तो फिर हमारे पास तब के लिए क्या है संभालने के लिए, उसको फाइट करने के लिए हमारे पास क्या है? चेस खेली है आप लोगों ने? चेकमेट किसको कहते हैं? चेकमेट कैसे कहते हैं कि एक जो व्हाइट वाला मूव करता है और दूसरा उसका जो प्लेयर होता है ओपोनेंट वाला वो उसको मेट करता है, उसी तरह वो जो क्रेविंग का जो एकदम एक्यूट फेस आएगा उसे कैसे आप काउंटर करोगे, ये उसकी तैयारी है। क्योंकि ट्रिगर कोई भी हो सकता है, जब हम ट्रिगर्स की बात करते हैं तो ट्रिगर्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। सिंपल, आप एक ऑब्जेक्ट के साथ आपकी एसोसिएशन है, आपके अंदर क्रेविंग आ सकती है। जैसे अगर कोई अल्कोहल के साथ सपोज पीनट्स खाता रहा है तो पीनट्स देख के भी उसके अंदर कल को क्रेविंग आ सकती है। किसी की एसोसिएशन वेदर से है, बारिश हो रही है, हवा अच्छी चल रही है, तो पुरानी फाइल खुलेगी। क्योंकि क्रेविंग्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको ऐसी दवाई देंगे और क्रेविंग्स आपकी खत्म हो जाएंगी। आपको उन क्रेविंग्स के साथ डील कैसे करना है, मैनेज करना है, ये प्रोग्राम आपको रिकवरी का सिखाता है। एंड आप देखिए कि ट्रिगर्स अगर एक्सटर्नल है, लोग देखें, आप देखते हैं, आप तो जो लिकर बुटीक्स हैं, क्या उनका पॉपअप जो पूरा वो पॉम्प एंड शो चल रहा है, तो बंदा 1 सेकंड के लिए वो इतनी ब्राइट लाइट, डार्जलिंग लाइट देख के तो 1 सेकंड रुक ही जाता है, और जिसकी तो वो गर्लफ्रेंड रही है तो वो 1 सेकंड के लिए तो देखेगा उसको। सो सी दैट कि लाइक जब एक्सटर्नल ट्रिगर्स की बात आती है तो इट्स लाइक पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस एंड सर्टन ऑब्जेक्ट्स। और जब इंटरनल फील आते हैं, इंटरनल ट्रिगर्स की बात, तो उसमें नॉर्मली आपकी फीलिंग्स के बारे में बात की जाती है, ज्यादा खुशी, ज्यादा गम, वो भी आपको ट्रिगर कर सकती है। ट्रिगर का मतलब क्या है? दैट वो गन का एक पॉइंट, वो ट्रिगरिंग पॉइंट कि अब चेन स्टार्ट हो गई। तो मतलब कभी किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, जहाँ फादर ने कुछ कह दिया, तो मेरे अंदर वो फाइल खुल जाती है पुरानी वाली। और कई बार क्या होता है कि मतलब आप देखिए कि एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशंस हैं, आप वेकेशंस पे गए, आपका प्रमोशन हुआ है, देन ऑन अ हैप्पी नोट ऑल्सो वो फीलिंग वापस आती है। तो ट्रिगर कोई भी हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, डिसअप्रूवल हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, नींद नहीं आ रही, स्लीप इश्यूज को लेके आप डिस्टर्ब हैं, किसी चीज को लेके आप एंशियस हैं, तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो वो भी ट्रिगर कर सकता है। एंड वाइस वर्सा पॉजिटिव फीलिंग भी, जिसको हम हमेशा हल्के में लेते हैं। तो बहुत ज्यादा हमारे, मेरे एक पेशेंट का रिलैप्स कब हुआ, साल की रिकवरी चल रही थी उसका, जो आजकल प्री वेडिंग शूट होता, तो प्री वेडिंग शूट में जब वो मतलब ढलाउजी गए कि मैकलो गए अपना प्री वेडिंग शूट कराने, इतना एक्साइटेड हुआ कि शाम को कॉल आ गया कि मैम वीक एक्शन हो गया। अब मतलब नॉर्मली हमें लगता है कि पेशेंट उदास होगा या कुछ ऐसे रिजेक्शन होगा तो आपको रीजन मिलेगा। सो आप देखिए कि उस फेज में भी ट्रिगर कर सकते और क्रेविंग्स आपकी एक्टिव हो सकती है। तो प्रोग्राम इन चीजों के लिए कि ये कहाँ से किक स्टार्ट होगा, तो आपको क्रेविंग्स को कैसे मैनेज करना। देखिए किसी भी चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में हम एक ही चीज को बार बार कहते हैं, मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट करनी सीखनी है हमें। जैसे वो जो हम ये जो वर्ड बना है साइकोथेरेपी, ठीक है, साइकोथेरेपी का मतलब क्या, इट्स एन एशियन ग्रीक वर्ड जहां पे साइको का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, ठीक है, स्पिरिट, और थेरेपिया का मतलब होता है मेडिकल
ट्रीटमेंट, हीलिंग। तो किसकी हीलिंग की बात की जा रही है? साइको मींस रिलेटेड टू माइंड। अब माइंड का काम क्या है? माइंड का काम है सोचना, माइंड का काम है महसूस करना, फिर माइंड का काम क्या है? उस तरह से आप एक्शन में आ जाते हो, बिहेव करते हो। सो साइकोथेरेपी, जब हम कल भी बात कर रहे थे साइको सोशल इंटरवेंशंस का क्या रोल है, उनका यही रोल है कि आपके जितने भी फॉल्टी बिलीफ सिस्टम्स हैं वो साइकोथेरेपी कोर में जाके काम करती है। भाई आपके थिंकिंग एरर्स क्या हैं, आपकी सोच कैसी है, वो कौन से आपके फिक्स पैराडाइम्स फॉल्टी बन चुके हैं जो हिल नहीं रहे, आपके अंदर वो कौन सी कंपल्शंस है, लाइफ के डेली स्ट्रेसेस आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आपके सोशल स्किल्स क्यों नहीं आ रहे, आपके रिश्ते क्यों खराब हुए, इन सारी चीजों के लिए थेरेपी काम करती है। एंड थेरेपी बेस्ट वर्क्स विद मेडिकेशन, जो हमने लिखा। अब जब हमने उस दिन बात किया था कि ब्रेन में अगर केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, वो इम्बैलेंस को आप ठीक कैसे करेंगे? सो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। मेडिकेशन से उसका जो ब्रेन में लोचा हुआ है उसको हम समेटेंगे। एंड मेडिकेशन में नॉर्मली क्या डॉक्टर्स दे रहे हैं? मूड स्टेबलाइजर्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंजियोलाइटिक्स, ताकि आपकी एंजाइटी, तो ये तो मेडिसिन हैं। और उसके बाद जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो थेरेपी आपकी इन सारी चीजों के, कि जितनी भी आपकी एरर आ गई है थिंकिंग में, मूड में, आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में, उस पे हम काम करें, क्योंकि हम अपने से नहीं काम कर पा रहे थे। क्योंकि जो इंसान बीमार है वो अपनी बीमारी नहीं देख सकता, कि जब कोई इंसान सो रहा होता उसे नहीं पता होता कि वो नींद में था, जब वो जागता है तो उसे पता लगता है कि वो सो रहा था। उसी तरह जब कोई इंसान यहाँ पे बीमार होता है उसे अपनी बीमारी का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, उसके लिए वो एक जो फॉल्स वर्ल्ड है उसको वही रियल लग रहा होता, उसकी जो सोचे उसको लग रहा होता, वो 100% उसी को बिलीव कर रहा होता। उसको कैसे ठीक करेंगे हम? कॉमन सेंस के तरीकों से आप नहीं ठीक कर सकते। सो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है? टॉक थेरेपी। आपके बिलीफ सिस्टम्स को बात कर रही है, आपके जो ऑटोमेटिक थॉट जो चल पड़ता है जिसके कारण आपका बिहेवियर ऐसा होता है, वो उसको चेक करने में आपकी मदद करती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। सो मतलब ये वाइड सब्जेक्ट में, कि मुझे अगर अपने सोचों पे काम करना है, आपकी मूड की मैनेजमेंट सीखनी है, तो मुझे साइकोथेरेपी लेनी पड़ेगी। अगर हम वैसे छोटी छोटी चीज के लिए, अगर हमें बुखार है तुम डोलो लेने में हिचकिचाते नहीं है, तो यहाँ पे जब इतनी बड़ी केमिकल इम्बैलेंस हुआ है तो फिर हमारे अंदर उस चीज फेथ क्यों नहीं आता अपनी मेडिकेशन को लेके, एक ट्रीटमेंट थेरेपी को फॉलो करने के लिए। अब मुझे बताइए कि कोई बच्चा आपसे अपनी क्लियरली प्रॉब्लम शेयर करेगा? बिकॉज उसको पता है कि जजमेंट होगी, पेरेंट्स विल गेट अनॉयड अपसेट, वो अपनी बातें क्यों खोलेगा आपसे? सो जब वो एक प्रोफेशनल के पास बैठता है, शी नोज और ही नोज कि कैसे बात को, कैसे, जैसे एक वो ब्रिटिश पुलिस क्वेश्चनिंग करती है उस तरह से हमारी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है, वन आफ्टर द अनदर क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के हम उसकी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम उसी की लाइफ को फंक्शनल कर सके। सो मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपीज का एम और टारगेट क्या है? वेलबींग, कि पेशेंट की हेल्थ वापस रिस्टोर हो जाए। आप किसी भी दवाई का आप देखें पर्पस क्या है, क्योर करना, ठीक है, उस सिम्टम्स को प्रिवेंट करना, जाउन सिम्टम्स को ईज आउट करना। नॉर्मली आप जनरल भी मेडिकेशन लेते हैं तो यही पर्पस है ना मेडिकेशन का, तो सिमिलरली हम भी यही दवाइयां दे रहे हैं कि क्योंकि ये बीमारी यहाँ पे क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, तो हम कहते हैं कि दवाइयां थोड़ी चलेंगी लंबे में। यहाँ पे निधि मैम मैं एक चीज ऐड करूंगी, क्योंकि जैसे आपने बोला ना, तो थेरेपी, काउंसलिंग, इन सब चीजों से हमारी जो फैमिलीज हैं वो वेलवर्स नहीं है, है ना। तो अक्सर एवरी डे कोई ना कोई फैमिली मेंबर नीचे आता है और बोलता है कि हमारे पेशेंट से कोई बात नहीं कर रहा, हमारे पेशेंट के साथ जाके काउंसलिंग नहीं कर रहा, हमारे पेशेंट की अभी थेरेपी नहीं हो रही। तो ये जो बात कही गई है, इसमें हमें ये पहले समझना है कि जो शरीर है
जो ब्रेन है जिसको हम छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर है, मशीन है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो दवाइयों से केमिकल्स को संभाल रहा है, ठीक है। केमिकल्स जब हम बोलते हैं, जब डॉक्टर केमिकल्स बोलता है तो हम आम भाषा में क्या समझेंगे कि उसकी सोचें जो उसको तंग कर रही हैं उनको रेस्ट दिया जा रहा है। तो जैसे आपने पूछा था आज, ठीक है, तो हम अगर डॉक्टर सोचों को रेस्ट दे रहा है क्योंकि अभी उसकी दिमाग के केमिकल्स पे काम हो रहा है, शरीर पे काम हो रहा है, तो हम मत को नहीं छेड़ सकते। मत मीन सोचें। तो एक तरफ से डॉक्टर दवाइयों से सोचों को रेस्ट दे रहा है, दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट जाके, जैसे मैम आप बोल रहे थे, साइकोलॉजिस्ट जाके जब बातें करेगा तो उसकी सोचें छिड़ेंगी ना, फिर उसकी सोचें उसको डिस्टर्ब करेंगी। तो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। जब आपको जल्दी होती है, बातें करो उसको जल्दी से समझाओ, तो हर चीज का जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है उसका भी एक सीरीज है कि पहले शरीर उसके बाद में मत, पहले ब्रेन फिर उसके बाद माइंड। तो अगर काउंसलर अभी 3 दिन या 4 दिन आपके पेशेंट से बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ वो जाकर ये देख रहा है कि उसके बिहेवियर क्या है, उसके मूड क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो किस तरह से बात कर रहा है, वो हमारे सवालों का क्या जवाब दे रहा है, इस टाइम उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसका टेस्ट करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा उसके केमिकल उछल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो इस स्टेज में यही हो सकता है। किसी को सर दर्द है और मैं उसको कोई बात समझाने जाऊं तो क्या बोलेगा? मेरा सर मत खाओ, जय सिया राम, सिर मत खाओ मेरा, हाँ मेरा सिर मत खाओ, यही बोलेगा। उसी तरह जब हम एक सर दर्द वाले पेशेंट के साथ अपनी बात नहीं करते, जो पेशेंट हम कह रहे हैं बीमार है, उसको अभी इनिशियल डेज में कैसे समझाया जाएगा? उसके तो अभी ब्रेन जो उसका लॉक हुआ पड़ा है, अभी तो डॉक्टर उस चाबी दवाइयों से, उस चाबी से उसका ब्रेन खोलने लगा, फिर उसके सॉफ्टवेयर पे काम होगा। पहले रास्ता तो मिले जो वो बंद करके बैठा है। अब मुझे बताइए कि तूफान में हाथ डालेंगे तो चांसेस बहने का अपना भी है, तो क्या कब जाना चाहिए रेस्क्यू के लिए? जब तूफान थोड़ा सा शांत हो जाए, तो उसका तूफान, उसके जो दिमाग में तूफान चल रहा है उसको शांत करेंगे दवाइयों से, देन उसके बाद उसकी टीम जाएगी साइकोलॉजिस्ट की कि हाँ जी अब देखते हैं कि क्या बचा है, क्या ठीक कर सकते। जो घर दे कहिंदे ओह गल नहीं करनी, घर दे कहिंदे समझाओ नशे दे बड़े नुकसान ही आ हो गया जी, पैसे दा नुकसान हो गया जी, सेहत दा नुकसान हो गया जी, इज्जत दा नुकसान हो गया जी। ओनू नहीं पता, ओनू साडे नाल ज्यादा पता, ओनू साडे नाल ज्यादा पता भी किन्ने नुकसान है, क्योंकि अही तेन वेखन डे हाँ, वो तो झलन डे अपने शरीर से अपनी आत्मा से। मुझे लगता है उस पर भी एक सेशन होना चाहिए जिससे हम लोगों को क्लैरिटी मिले कि क्या क्या हो सकता है। वैसे तो चलो पता है, हम अपने अपने हिसाब से देखते हैं, पर हमें क्लैरिटी आएगी कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो मे बी वी कैन प्लान द सेशन कल वाला इसी पे, ठीक है, कि क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं बीमारी के वापस आने से, उसके रिलैप्स के, ठीक है। तो उसमें हम ट्रिगर्स के लिस्ट पर आएंगे, देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और फिर इंटरनल को आगे जाके डिवाइड कर देंगे ताकि वो सारे क्यू कार्ड आपको मिलते रहे। आपके लिए ये पूरी तैयारी होगी ताकि कल को कभी आपको साइन सिम्टम देखे तो आपको डेंजर साइन दिख जाए। थैंक यू। जिसमें हम एक पार्ट में ऑलरेडी कल कर चुके हैं, वो भी एक तरह से ट्रीटमेंट खराब होने के हमने डिस्कशन करी कि क्या क्या चीजें जो सारे सिम्टम्स आए थे हमारे ही पेशेंट के ट्रीटमेंट को हम खुद सबोताज करते हैं। मतलब हम ही फैमिलीज अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट को नहीं होने देते किन किन कारणों से। इसी तरह से और अब कौन से
कारण हो सकते हैं पेशेंट की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, जो पेशेंट की बीमारी को वापस ला सकते हैं, कौन सी चीजें ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हम कल फिर डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जेडी फैमिली नु समझ नहीं पाएगी, पेशेंट नु ठीक हो दियो, पेशेंट नु ठीक करो ना। आ जेडी पेशेंट नु ठीक करने की अर्जी सानू उठती है ना, ये सारा काम खराब कर दें। पेशेंट तुम ठीक नहीं कर सकते, जे कर सकते होंगे तो फिर तुम घर ही कर लेना है। उन्होंने ठीक हो दो, ठीक उन्होंने प्रोसैस ने करना, ठीक उन्होंने दवाइया ने करना, किसी हद तक थेरेपी ने करना। यह थेरेपी उदो ही हो सकती है जो थेरेपी वास्ते कपैसिटी होगी, वो कपैसिटी तो बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। जे तुम बदो बदी उन्हें करोगे ना तो फिर वह तुम रिटेलीएट कर देगा, तुम इग्नोर कर देगा। फिर जब अगली बार तेरे रैपो बननी है ना, उन्हें को गल करनी है, उन्हें करनी नहीं, उन्हें गल ही नहीं करनी, तुम ब्लॉक कर देना। जो तुम रूम चाहना उन्हें कहना बस कंबल लगे पे ना उन्हें। बिल्कुल सर, जैसे कि आप नर्सरी के बच्चे का जो लेवल है उसी लेवल पे उससे बात करेंगे, जो केजी का है उससे केजी के लेवल का, उस हिसाब से आप पेशेंट आप देखते हैं। आपका कहने का ये मतलब है, वैसे ही आप अपना जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो आगे आगे आप पढ़ाते हैं स्लोली, पेशेंट के लेवल पे गल शुरू। बिल्कुल, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है। जो चीज होती है कि जब हम किसी को गुड फीलिंग देते हैं या किसी को बैड फील कराते हैं, वो उसके साथ हमेशा वो फीलिंग रजिस्टर होती है। ठीक है, अब फैमिली क्या करती है, क्योंकि वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, आउट ऑफ पेन, तो वो बार बार उनकी उस सारी चीजों के बारे में बात करती है जिससे उन्हें लगता है कि शेम इंड्यूस करेंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगा। बट ये नहीं पता शेम इंड्यूस का करने का मतलब कि आपने उसको नेगेटिव फीलिंग दे दी, पेनफुल फीलिंग दे दी। तो क्या अब कोई इंसान आपको कोई पेनफुल फीलिंग दे रहा है, जब पेन दे रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है, क्या आप उसके साथ कनेक्शन बना पाओगे? तो इसलिए पेशेंट्स क्यों नहीं सुनते फैमिलीज की, क्योंकि फैमिलीज के जो तरीका है डील करने का वो सिर्फ यही होता है प्रोवोक, क्योंकि एक टाइम पे आके वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, अक जाते हैं कि लाइक किसी तरह से ये ठीक हो जाए। तो उनको यही लगता है कि प्रोवोक करो, क्रिटिकल रिमार्क्स दो, कंपैरिजन करो, इसके अंदर गिल्ट शेम इंड्यूस करो, तो शायद ये ठीक हो जाएगा। बट वाइस वर्सा हमने जो उसको पास लाना होता है वो उतना दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। मैं ना दीदी पेशेंट एक ने कहा, मैं उसके कोल बैठा, मैं कहा की ना मेरे, कहिंदा मेरा नाम आ, मैं कहा एडा जबरदस्त ना, किन्ने रखिया तेरा ना? उन्हें दो बारी मेरे वाल वेखिया, कहिंदा पहले बंदे ही तुसीं जिन्हां ने कहा ना तेरा वधिया, दसो उन्हें अपने नाम तो नफरत हैगी आ, इतनी पेन है उसके अंदर। हमारे जो पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम बिल्कुल, क्योंकि जो सर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनसे बहुत सारे वीक एक्शंस हुए, उन्होंने इतने प्रॉमिसेस किए हैं, इतनी कमिटमेंट्स की हैं, ठीक है, वो रात को कसम खा के जाते हैं, सुबह जाके फिर शराब पी लेते हैं। अब आप देखिए कि उनकी अपनी नजरों में अपनी इज्जत नहीं कम होती, बट उनको इतने बेबस होते हैं, किसी को तो बीमारी कहते हैं, वो इस ट्रैप में इस तरह फंसे होते हैं कि रास्ता कोई नहीं मिल रहा होता, तो उनकी अपनी ही रिस्पेक्ट अपनी नजरों में गिरती है, और इसलिए वो लो सेल्फ एस्टीम। और रही खांसी का असर कौन पूरी करता है? हम अपने आसपास वाले, मतलब सो कॉल्ड जो हम कह रहे हैं फैमिली। तो पेशेंट जब आता है वो बिल्कुल क्लचेज ऑफ लाइक उसके अंदर क्या चल रहा होता है, होल्ड उसमें होता है क्लचेज ऑफ दैट टॉक्सिक शेम एंड लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि उसको पता है कि अब तक उसने सब कुछ ही गलत किया। आप देखिए कोई इंसान जो अपने वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है उसके अंदर बेचैनी नहीं होगी। मैं कह रही हूँ व्हाट आई बिलीव और मैं कर कह रही हूँ बिल्कुल उसके ऑपोजिट, तो ये उसको बेचैनी देगा ही देगा। उस बेचैनी को अब वापस ठीक करने के लिए वो क्या करेगा, फिर उस पेन को नम करने के लिए फिर सब्सटेंस फिर से लेगा। तो ये एक बिल्कुल साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाओ, उसको रिग्रेट 100% आता है, उसे दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है, उसको पता है उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल जा रही है, उसको मालूम है कि घर में उसके कारण रोज तू मैं हो रही है, उसे पता है उसका शरीर भी इस चीज को नहीं पचा रहा, पर उसे रास्ता कोई नहीं मिल रहा होता, अपने सामने वो सारी चीजों को देख रहा होता टूटते हुए बिखरते हुए, पर रास्ता कोई नहीं उसको दिख रहा। बट हमारा जो तरीका है डील करने का वो प्रॉब्लम को और मल्टीप्लाई कर देता। तो ये भी मतलब किस तरह से हमें पेशेंट के साथ बात करनी है, कैसे डील करना है, क्योंकि जब हम कहते हैं
कि पेशेंट कौन है, वन हु इज इंपेशेंट। तो मुझे लगता है कई बार तो फैमिली उससे ज्यादा इंपेशेंट है, इनका कार्ड बनवा दो, क्योंकि इंपेशेंट से ही पेशेंट, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो ही मेरा पेशेंट है। अब आप देखिए कि हमारे अंदर पेशेंस है, क्योंकि जब हम रिकवरी के पाथ में जाएंगे तो नंबर वन इज दैट यू नीड पेशेंस। हम बहुत सारे पीस यूज करते हैं अपने रिकवरी प्रोग्राम में, जिसे मैं नंबर वन पेशेंस, आपके अंदर परसिवेरेंस चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि लाइफ को ठीक करना है, कोई बात नहीं। आज उससे तो बेटर है, मैं कहती हूँ 0.1% भी अगर चेंज आ रहा है, ठीक है, 0.1% इन वन डे, दैट मींस कि 100% करने में ऑलमोस्ट 3 साल तो लगा लेते हैं ना। जब बीमारी को हमने इतने 10-10, 12-12 साल दिए बढ़ाने के लिए, तो जाना कहाँ पे है। तो आपकी पेशेंस, आपकी परसिवेरेंस, ठीक है, आपके अंदर वो प्रैक्टिस इन स्किल की बार 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 बार, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आज हमने सुना और आज आके हम अप्लाई कर ले, बिकॉज हमें अगर हमें वो किंडरगार्टन में ABC पूरा एक साल सीखने में हमें वो पूरे टीचर्स ने मदद की थी, तो आज हमें वो याद है, वो उसी तरह राइमिंग में याद है, ABCDEFG, ठीक है, क्यों याद है, क्योंकि वो बार 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 रेपिटेशन। तो प्रोग्राम आज भी आपसे कह रहे हैं कि आप उन प्रैक्टिस करोगे स्किल्स की तो आप आगे बढ़ोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है, पेशेंस नहीं है, जल्दबाजी है तो नहीं होगा। आप चलोगे, घिरोगे और फिर आप टूट के बिखर जाओगे, आपने कहना नहीं ये हो ही नहीं सकता। एंड तीसरी चीज जो हमने बात की थी कि एक्टिव चेंजेस इन लाइफस्टाइल, ये पूरा कॉम्बिनेशन चलता है, दवाइयां उसके ब्रेन के उस ताले को खोलेगी, ठीक है, वो जब ताला खुलेगा तो उसके सॉफ्टवेयर पे कौन काम करेगा, साइकोलॉजिस्ट की टीम। वो सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर विंडोज क्या होती है, एक लैपटॉप की, एक मोबाइल की विंडोज क्या है, तो उसकी विंडोज में क्या है, उसके पूरे पुराने बिलीफ सिस्टम, उसके कोई पूरे जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, जिससे वो प्रेम से क्या देख रहे हैं अपने रिश्ते, उसका स्वभाव भी क्या है, उसके कारण मैलअडेप्टिव। तो इन चीजों पे काम अब कौन करेगा, उसकी टीम, उसका प्रोग्राम जो थेरेपी में उसको, कभी तो ग्रुप थेरेपी होगी, कभी इंडिविजुअल थेरेपी होगी, तो बहुत सारी थेरेपीज यूज करके पेशेंट के साथ काम किया जाता है, कभी रिक्रिएशनल थेरेपी, कभी हम कहते हैं कि डांस थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज का फ्यूजन होगा। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने ये तो किया, बट उसके बाद एक डॉक्टर के पास आप डायबिटीज का भी इलाज कराने जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि इस दवाई के साथ आप सैर करनी शुरू कर दीजिए, आप अपनी नींद का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। तो उसी तरह यहाँ पे भी एक्टिव चेंजेस इन लाइफस्टाइल, वो आप क्या करेंगे। हमने वो उस दिन 5 वाइटल अपने केमिकल्स किए थे, ठीक है, उसी के बेसिस पे अगर मुझे डोपामीन जो मेरा एक मेडिसिन की हेल्प से, थेरेपी की हेल्प से मुझे समझ आ रही है, तो मुझे भी तो कैसे ठीक करना है। लाइफस्टाइल चेंज क्या है, नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं HASA, दैट्स एक्रोनियम दैट यूज हैज़ा। वो क्या मतलब है कि अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि नॉर्मली सबसे चीफ कंप्लेंट जो हमारे पेशेंट्स की आती है वो आती है कॉन्स्टिपेशन, वो बताते ही नहीं है कि उनका पेट साफ नहीं हो रहा, पेट क्लियर नहीं हो रहा। सो ये एक्टिव लाइफस्टाइल की हमारी बॉडी, अगर हमारा ब्रेन को 75-80% वो वाटर से बना हुआ और आप उसको हाइड्रेट नहीं कर रहे हो, तो ब्रेन की वर्किंग कैसे ठीक चले। सो आपका पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जनरली पूछिए पानी कितना पी रहे हैं दिन में, हाँ पी लिया इतना सा 4 ग्लास। तो वाटर हैज अपने एक हाइड्रेशन अपनी बॉडी को रखने के लिए, उसके अपने एक बेनिफिट्स। देन उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन मतलब कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, बीइंग इट एक्सरसाइज, एंड वो एक्टिविटी आपकी सोशल एक्टिविटी में भी आती है, कि ऐसा नहीं है कि आप अपने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर दिया, आप इमोशनली विड्रॉल हो, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो, नहीं। ए स्टैंड्स फॉर सोशल एक्टिविटी भी अपार्ट फ्रॉम आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अब आप देखते हैं जब डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं तो क्या होता है, एक्टिविटी एनर्जी बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है। तो इसका मतलब कि ऑपोजिट क्या है कि अपनी एक्टिविटी का ध्यान रखना। दे से कि वॉक इज मिरेकल थिंग इन योर लाइफ। अगर नहीं आप इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते तो मतलब आप एक वॉक करनी शुरू कर दें, आप 10,000 स्टेप्स करने शुरू कर दें,
दे विल गिव यू द एडेड एडवांटेज कि जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं. बहुत औखा काम तो नहीं है. एंड देन एस स्टैंड्स फॉर स्लीप. स्लीप और मेंटल हेल्थ का इश्यू बहुत क्लोजली इंटरवीन्ड, क्योंकि जब हमारे पेशेंट जब हाई फेस में जाते हैं तो उनकी नींद कम हो जाती है, जब कोई पेशेंट एंग्जाइटी में है उसकी नींद कम हो जाती है. मूड डिसऑर्डर वालों को आप देख लें, जहाँ वो ज्यादा सो रहे हैं जहाँ वो बिल्कुल कम सो रहे हैं. इनफैक्ट बीमारी का जब एपिसोड कोई भी आता है तो सबसे पहले नींद इफेक्ट होती है मोस्टली. एंड अपनी टेक केयर ऑफ योर स्लीप. ये अब उनको बताइए ये लाइफस्टाइल चेंज करने इतने औखे तो नहीं है. एंड देन अगेन ए स्टैंड्स फॉर द एपेटाइट कि आप अपने एपेटाइट का अच्छे से ध्यान कर रहे हैं, आप अपने मील्स टाइम पे ले रहे हैं, आप हेल्दी इनटेक कर रहे हैं. सो ये वाला जो एक्रोनियम है ये आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल में बनता है. एंड आई रिमेम्बर जसबीर सर हमेशा बोलते थे टाइम सिर उठना, टाइम सिर सोना, टाइम सिर सोना पहले ना टाइम सिर सोना, टाइम सिर नहाना ते टाइम सिर खाना. मैं कहा जे तुसीं तीन चीजां ये अपनियां ऑर्डर च कर लेना तुहाडियां 60-70% प्रॉब्लम ठीक हो जाए. किड्डा सौखा काम है. पर ये बात करते हैं कि जब हमने उस दिन भी डोपामिन केमिकल बोला था कि मेडिकेशन थेरेपी तो अपना काम कर रही है बट आपका इनटेक क्या है, आप अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, आप अपनी हाइजीन ग्रूमिंग का ध्यान कर रहे हैं, आपने कोई टास्क इनिशिएट किया, आपने टास्क कंप्लीट किया. ये अगर ये नहीं करोगे तो अंदर से आपके अंदर वो ब्रेन आपको पैट कैसे करेगा, क्योंकि डोपामिन का काम क्या है, वो पैट करता है यू डिड अ गुड जॉब. अब जो बेड पे रहेगा जो कुछ काम ही नहीं करेगा तो उसका ब्रेन उसको कैसे किक देगा, उसको कैसे रिवॉर्ड देगा, कैसे प्लेजर फील कराएगा. सो हम जब किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो उससे डोपामिन किक मिलता है. दीदी जे मैं क्या मैं सवेरे 7 बजे उठना ते 7 बजे मतलब की अलार्म बज गया मैं उठा नहीं 5 मिनट सो जा यार 5 मिनट सो जा 5 मिनट कर दिया 7:30 तो कल 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 उठांगे तुसीं गए बस हुण सारी दिहाड़ी तुहाडा मूड लो रहना और तुम्हें बाहर दी चीजा खानिया किराइया चीजा खाने दिल करेगा एंड जोमैटो वाल ख्याल होगा घर की रोटी तुम पसंद ही नहीं आएगी मैं दिल नहीं करेगा घर की रोटी खाने क्यों क्योंकि तुम गिल्टी है गए जी क्योंकि तुम्हें क्या मैं 7 बजे उठूंगा तुम उठे नहीं ना जी गिल्ट अपने अंदर चलती है ना वो बहुत खतरनाक जी वो मर्जी सक कर लें सारी सारी मर्जी सक कर लेंदी है और तुम्हें क्या 7 बजे उठना उठ पो 7 बजे सवा 7 उठ पो साड़ी के बड़ी आदत है 7:00 to 7:30 उठना सी मैं हुण 7:30 हो गए हुण कल मैं कहा 7:30 उठ पो नहीं क्या ही 7:30 फिर वो गल नहीं ना बनती कोई गल नहीं हुण कल. हां जी सर एक पेशेंट ले एक ब्लॉक दस स्लीप ते गल कर रही है सर पेशेंट ले कितनी की नींद जरूरी है जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन तब भी काम कर रहा होता है. हमारे जितना भी जैसे हमारा मोबाइल अपडेट होता है उसी तरह हमारा ब्रेन भी अपडेट हो रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं. उसके पास के एक्सपीरियंसेस और उसकी आज की जो लर्निंग है वो मिक्स मैच होती है. वो मिक्स मैच तभी होगी जब आप यहाँ पे एट रेस्ट होगे, ब्रेन को आप शांत करने के लिए एक ब्रेक लोगे और वो ब्रेक क्या होती है नींद. तो जितने भी उसकी पुरानी लर्निंग्स और आज की जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं तो उसको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता. तो जब वो अपडेट नहीं कर पाता तो हमें दिक्कत आती है. और नशे के दौरान यही चीज होती है कि जब कोई केमिकल उसके अंदर गया होता है तो वो उसकी पास्ट के एक्सपीरियंसेस में उसकी जो नई डे टू डे उसकी लर्निंग्स हैं वो मिक्स मैच नहीं हो पाती. एंड जब वो नशा छोड़ता है तो सबसे ज्यादा उसको ड्रीम्स क्यों आना शुरू होते हैं, क्योंकि अब उसका सिस्टम अपडेट होना शुरू हो गया. तो नींद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने ये ब्रेन के सिस्टम को अपडेट करना. तो जो लोग कहते हैं कि 4 घंटे में हम सो के अपने आप को हम बिल्कुल ठीक हैं, इट इज नॉट अ गुड साइन.
ठीक है, तो ये चीज हमें रखनी है। अगर हम नेक्स्ट केमिकल में जब हम आते हैं कि उसमें एक्टिव लाइफस्टाइल आप क्या चेंज करोगे जिससे आपका ऑक्सीटोसिन ठीक से रिलीज हो, तो हम कहते हैं कि जब आप फैमिली के साथ डिनर्स करना शुरू कर दो, मील्स इकट्ठे खाना, इकट्ठे बैठ के खाना शुरू कर दो, उनसे बात करनी शुरू कर दो, उनकी बात सुननी शुरू कर दो, हगिंग, पैटिंग, टचिंग, होल्डिंग, ये सारी चीजें आपका नेचुरल वे पे ऑक्सीटोसिन बनाती है। अब आप देखो जब हम बीमार होते हैं तो बिल्कुल इसके वाइस वर्सा होता है, ना हम बात करते हैं ना हम होल्ड करते हैं, हम एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, धुतकार रहे होते हैं। तो इसलिए वो हैप्पी केमिकल वो रिलीज ही नहीं हो पाता, वो ट्रस्ट, वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग की जगह क्या स्टेटमेंट आती है, मरी जाता तो अच्छा हो, पैदा क्यों हो हमें दुख देने के लिए, इसका मतलब जैसे इम्बैलेंस हुआ हो। सो जब आप ईटिंग टुगेदर एक चीज करें, इकट्ठे बैठे, इकट्ठे खाएं, इकट्ठे हंसे, वो आपका नेचुरल वे से कडल आप करते हैं एक दूसरे को, तो वो हार्मोन रिलीज होता है। देन उसके बाद हम आते हैं उसमें सेरोटोनिन में। अब जब हमारा रिकवरी का प्रोग्राम सारा का सारा इस पे काम कर रहा है, तीन केमिकल्स को बैलेंस कर, जब आप अपने आप को आपने सरेंडर कर दिया, आपका मूड स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, आप हेल्प करते हो, जब आप चीजें सीखते हो, तो ये सारी चीजें आपके माइंड को आप स्टेबल करेंगे। जो आप कह रहे थे जब रिकवरी का एक स्टेप है, वो कहते हैं केम टू बिलीव कि अ पावर ग्रेटर देन मी कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी, कि मुझसे कोई बड़ी ताकत है जो मुझसे बाहर है और मुझसे बड़ी है, वो ही मेरी समझ को बहाल करेगी। तो रिकवरी का प्रोग्राम कहते हैं कि अभी अपनी समझ को रखो, उसको आप पॉलिश करोगे, उसको आप शार्पन करोगे, तो किसकी समझ के साथ अभी चलना है, प्रोग्राम की समझ, हायर पावर, हायर पावर मीन्स दैट प्रोग्राम की समझ। बट उसके लिए वो कह रहे हैं कि बिलीव तो करो, केम टू बिलीव, यकीन करो कि आपकी समझ से आप ठीक नहीं कर सकते उसको। तो पेशेंट वाइस वर्सा इस स्टेप को ले कि हम अपनी समझ से अपने आप को नहीं ठीक कर सकते, और फैमिली कि हम अपनी समझ से अपने लव्ड वन को नहीं ठीक कर सकते, बट कोई ताकत है वो मुझसे बाहर की है, तो वो बाहर की ताकत क्या है, वो मेडिसिन है, वो थेरेपीज है, वो प्रोग्राम है जो आपकी समझ बहाल करेगी कि इस बीमारी के साथ रहना कैसे है। एंड जब आप इन चीजों में, जब आप मतलब रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग, लिसनिंग सॉफ्ट म्यूजिक, ये आपकी सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, मूड को स्टेबलाइज कर रहे हैं। जब आप नेचर के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जब आप अपना टाइमली सोते हैं, तो नेचुरली आपका मूड भी तो स्टेबल रहेगा। सो ये एक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स का मतलब क्या, जो हमने बात किया कि अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के डिसकंफर्ट जोन में लेकर जाइए, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। आप देखते हैं जो वो सुबह सुबह कंपनी बाग में जाएं तो वो लाफिंग थेरेपी चल रही होती है, उसका मतलब क्या, वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं एंड साथ में दे आर जस्ट क्लैपिंग, ताकि हार्ट की भी वो आर्टरीज खुली रहे एंड उससे एंडोर्फिन्स भी बनते रहे। इट हैज अ पर्पस बिहाइंड दैट। तो अपने आप को उस तरह से आप जब कंफर्ट जोन से निकाल के डिसकंफर्ट जोन में डालते हैं, डेली स्ट्रेसेस को हैंडल करना सीखते हैं, तो आपके नेचुरली एंडोर्फिन्स बनना शुरू होते। बट अगर कोई इंसान बोले कि मुझे पेन के बिना ही सब कुछ मिल जाए, या पेन के बिना ही मैं सीख लूं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसी पॉइंट पे सारी रिकवरी स्लो हो जाती है कि हमने हमेशा शॉर्टकट से नशों की मदद से वो हैप्पी केमिकल्स को दिमाग में बनाया होता है। मेहनत करने की आदत नहीं होती, एक्टिविटी करने की आदत नहीं होती, आपको बैठे खाए वो सारे हैप्पी केमिकल, चाहे वो आर्टिफिशियल है, वो अंदर रिलीज हो रहे होते हैं। तो क्योंकि हमने कभी नहीं किया होता तो, और हमारे अंदर मोटिवेशन भी कम हुई होती है, इसलिए रिकवरी प्रोसेस पेनफुल हो जाता है। मतलब एक तो बीमारी की पेन है वो तो हमें पता ही है, अगर इलाज नहीं होगा तो क्या होगा, मगर रिकवरी की यही पेन है फैमिली के लिए भी। जब फैमिली को भी बोला जाता है कि आप अपने ऊपर काम करो, हमारे भी जो केमिकल्स हैं वो बैलेंस में नहीं है, हमने भी वो अब जैसे अगर किसी वाइफ ने कभी भी अपने हस्बैंड को चेक नहीं किया, ना नहीं करा, तो उसके लिए वो ना करना ही बड़ा पेनफुल है, कन्फ्रंट करना पेनफुल है। अगर एक माँ ने कभी भी बच्चे को किसी चीज के लिए मना नहीं करा
और आज उसे रिकवरी में मना करना पड़ रहा है, तो वो उसके लिए मेहनत का काम है, क्योंकि ना वो ना कह सकती है, ना पेशेंट ना सुन सकता है। तो जैसे सर बोलते हैं कि जो मत होती है ना, उसको पालना पोसना करना पड़ता है, मतलब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो चिम ब्रेन है, जो जानवर दिमाग है, वो सीखा सिखाया है, पला पलाया है। जो मत है, उसकी जो खुराक है वो है मेहनत, कि हमारे अंदर एक फैक्ट्री बनी हुई है जो हैप्पी केमिकल रिवॉर्ड हमें देती है, मगर उस रिवॉर्ड के लिए बाहर मेहनत करनी पड़ती है। और स्पेशली जो एडिक्शन के पेशेंट होते हैं, उनको बना बनाया सब परोसा हुआ नशे में मिल जाता है। तो उस पेशेंट के लिए सुबह बेड छोड़ना, सैर करना, ये सब चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। और इसमें काफी फैमिली को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये तो दवाइयों की वजह से और बीमार हो गया, ये तो अब कुछ नहीं करता, पहले तो ये हंसता था, जाता था बाहर, इधर उधर भाग रहा होता था, अब इसे क्या हो गया। यहां पर भी ट्रीटमेंट काफी सबोताज होता है, क्योंकि हमारे केमिकल अभी रिलीज नहीं हो रहे होते, है ना, दवाइयां चल रही होती हैं, ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो फैमिली के दिमाग में और पेशेंट के दिमाग में यही बात आती है कि ये दवाइयों से हो रहा है, और फिर वो बीमारी की पेन भूल जाते हैं, दवाइयों की वो पेन बना लेते हैं। तो हर चीज में ये भी पहलू समझने की जरूरत है कि अब जो निधि मैम ने बोला कि सैर करो, मेहनत करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मगर जब तक आपका इलाज नहीं होगा तो वो तीसरा पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब अब तो हमारा ब्रेन केमिकल खराब हो चुके हैं, अब पहले उसको नॉर्मल रेंज में लाएंगे, फिर ये लाइफस्टाइल चेंजेस हो पाएंगी। आप सोचो कि बिना दवाई खाए, बिना थेरेपी, बिना अपने कमजोरी कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करे, आप ये तीसरा पॉइंट कर लोगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि काम पूरा नहीं कर पाना ही बीमारी का कारण है, जो पेशेंट की बीमारी की जड़ है, कि वो जो बोलता है वो कर नहीं पाता। मतलब उसकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। हमारे पेशेंट्स के लिए तो ये है यार की सेट, बट हाँ, फॉर अ फैमिली अगर आपको लगता है तो आप नीचे से ऊपर चल सकते हैं, कि आपको एक्टिव लाइफ चेंजेस के बाद भी आपको लगता है कि आप नहीं हो पा रहे, तो आस्क फॉर हेल्प, थेरेपी ले लीजिए। और वो थेरेपी के बाद भी अगर उस थेरेपिस्ट को लगेगा कि दैट आपके अभी भी चीजें जो हैं जो काफी एक्यूट है, तो वो आपको मेडिसिन बोल देगा, साइकेट्रिस्ट के बोलेगा कि इसकी हेल्प कर दे। अब आज निधि मैम, एक फैमिली ने मेरे से सेशन में शेयर किया कि मेरी जिंदगी जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई, मैं तो चाहती नहीं कि मैं जिंदा रहूं। अब दूसरी तरफ वो अपने बच्चे का इलाज करा रही है। आपको लगता है ऐसी माँ जो ऐसा महसूस कर रही है, जिसका खुद ब्रेन स्टेबल नहीं है, उसको जिंदगी जीने की चाहती है, क्या ऐसी माँ अपने बच्चे को ठीक कर सकती है? नहीं सपोर्ट कर सकती। और आप बताइए, ये जब हमने उस दिन ये सेशन में बात किया था, जब फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आती है, तो ये साइन एंड सिम्टम है। तो कई बार हमारे पेशेंट में आता है, तो आज हमें किस में देख रहा है? फैमिली में। तो अगर फैमिली में आपको साइन एंड सिम्टम दिख रहा है, तो इसका मतलब कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? फैमिली की भी मेडिकेशन। सो वहां पे हम ये मतलब रिवर्स काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें साइन एंड सिम्टम एक फैमिली के बिल्कुल दिख रहे हैं, तो हम वहां पे कैसे उनको बोलते हैं? और जिनको आप लेकर आए हैं, उनका तो कोर्स, जो प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो होगा ही ऐसे, क्योंकि वो इस टाइम पे जो उनका चिम ब्रेन है, वो बिल्कुल इस टाइम पे वाइल्ड हुआ पड़ा। मैं इसे बिल्कुल एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, जो आपने फैमिली के लिए बोला ना, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकेशन, थेरेपी, एक्टिव लाइफ चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर पेशेंट, डेफिनेटली इट गोज दिस वे ओनली, क्योंकि पेशेंट का तो रॉक बॉटम है, वो तो बिलो जीरो है, उसका तो यही पैटर्न चलेगा। एंड मैंने जो आप जब आपने बोला कि फॉर फैमिली, बिकॉज मेरे साथ सिमिलर प्रोसेस हुआ, आई थॉट कि आई चेंज माई लाइफ स्टाइल, बिकॉज पेशेंट के साथ साथ हमने भी अपना, जैसे सर ने बताया, लाइफ इज रूटीन, रूटीन इज लाइफ,
तो वो सारे जो डिक्टम्स थे वो हमने प्रॉपरली अपने अंदर लाने की शुरुआत की, बट स्टिल आई फाउंड कि मेरा इंसोम्निया का बहुत इशू रहा है 3-4 सालों से, कुछ अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से, कुछ पेशेंट की वजह से, मतलब होता ही है बिकॉज आई एम अ मदर, तो कहीं ना कहीं आई एम अफेक्टेड विद दैट। और फिर मैंने डेफिनेटली थेरेपी भी ली है, एक दो बार थेरेपी ली है जहां पे मेरे को इश्यूज आए तो मैंने काउंसलिंग ली, फिर देन आई वेंट फॉर माइल्ड मेडिकेशन। एंड उसका रिजल्ट मैं ये बताना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द अदर्स कि अभी लास्ट वीकेंड आई वॉज ऑन अ नाइट फ्लाइट, 2:15 बजे की मेरी फ्लाइट है सैटरडे नाइट, मतलब संडे मॉर्निंग ही कर लो, एंड आई न्यू कि मेरी पूरी रात खराब होने वाली है, पर और उसके 3 दिन पहले मैं थ्रू आउट पुणे में थी बिजी इन द कॉन्फ्रेंस, 4th को पहुंची हूँ। चलो 4th को जब मैं पहुंची आई हैड अ गुड टाइम बिकॉज मेरा अच्छा ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ था, क्योंकि मैं अपने बड़े पुराने मामा जी मेरे हैं रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो उनसे मैं मिली एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड, मतलब और एक मेरी बड़ी पुरानी फ्रेंड है 14 साल बाद मिली, तो मेरा बड़ा अच्छा सेरोटोनिन रिलीज हो गया था। फिर 2 दिन आप वो थोड़ा डोपामिन रश होता है, आप कॉन्फ्रेंस में अलग अलग लोगों को मिलते हो, फिर कुछ चीजें आपको पसंद नहीं आ रही, कुछ पसंद आ रही, तो वो अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं आपके मूड के, और कुछ चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, तो वो चल रहा था। पर मेरे दिमाग में ये था कि मेरी सैटरडे नाइट खराब होने वाली है, मतलब मुझे अपनी नींद का, क्योंकि आई मेड इट अ पॉइंट कि अगर मैं अगर डिनर में भी गई हूं ना कॉन्फ्रेंस में तो 10:30 वी आर बैक। आई टोल्ड अदर्स ऑल्सो मेरे साथ वालों कि देखो 9:30 मेरा स्लीप टाइम दिखा रहा है मेरा मोबाइल, तो बताओ अच्छा 9:30 मैं कि यस 9:30 स्लीप टाइम दिखा रहा है, लेट्स स्टार्ट बाय 10:10 कम बैक। एंड आप ये देखो कि प्रोग्राम कैसे हेल्प करता है एंड ऑल दीज थिंग्स कैसे हेल्प करती है बिकॉज यू आर देयर इन टू इट। मतलब मुझे ये रियलाइजेशन अभी हुई कि ये सारी चीजें फॉलो करने का मुझे क्या फायदा हुआ। आई रीच देयर एट 8 बिकॉज 2:15 की फ्लाइट है तो बाहर घूमने का मतलब नहीं था, एंड आई सैट अराउंड क्योंकि वो कहते हैं आपके चेक इन तो होएगा 3 घंटे पहले। आई वेंट थ्रू देयर सैटरडे मीटिंग्स, बहुत अच्छी मीटिंग थी वो, फैमिली मीटिंग जिसमें वी वर डिस्कसिंग के कैसे कैसे सेबोटाज होता है प्रोग्राम, सो दोस 3 पॉइंट्स के शॉर्ट टर्म फोकस रखते हैं ऑल एस्पेक्ट्स। एंड देन जब मेरा चेक इन हुआ तो आई सैट इन द नॉर्मल रूटीन, मैं कहा लाउंज में नहीं जाना, बहुत रौला गुल्ला है वहां नहीं है, एंड आई वॉज जस्ट रीडिंग अ वेरी सिंपल बुक, आई स्लेप्ट ऑफ फॉर देयर 1 घंटा मैं वहां सो गई, मुझे पता ही नहीं है, साथ में ऐसे रखा एक छोटा सा पिल्लो साथ में था, एंड देन आई वोक अप इन टाइम। मेरे को ये भी नहीं डर लगा कि मेरी कोई फ्लाइट छूट जाएगी क्योंकि मैं देख रही थी वो बार बार सबको बुला रहे थे, मैं कहा मैं सामने बैठी हूँ बोला है जोर जोर से आवाज देंगे, लेकिन लकीली मैं चलो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत देर सोई, पर एक अच्छी सी साउंड स्लीप आ गई। एंटर्ड द प्लेन बाय 2:15, जाते ही अंदर सो गई, जब लैंड हुआ तो मैं उठी तो मैंने कहा वाह मेरे 2 घंटे की नींद हो गई, मैं 4:30 पहुंची हूँ, घर पहुंची हूँ 5:15 बजे, जैसे ही पहुंची घर आके मैंने कहा ओके एवरीबडी स्लीपिंग आई एम गोइंग टू स्लीप एंड आई गॉट अप एट 9। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, मुझे ना एक बड़ा ही अंदर एक पैट ऑन द बैक और एक बड़ा ही रिलीफ फीलिंग आया कि मेरी रात खराब नहीं हुई, मैंने पूरी रात में अपनी काफी कंफर्टेबल स्लीप ले ली है, और देन आई कुड गो ऑन विद माय डे। व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर, ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक रहता है। बिल्कुल, मुझे बताओ जब मूड ठीक रहता है तो नुक्स कम दिखते हैं, और जब मूड खराब होता है तो सबसे ज्यादा नुक्स ही हर अच्छी चीज में भी हमारा नेगेटिव अप्रेजल हो जाता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये फ्लाइट क्यों नहीं टाइम पे है, ठीक है, लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। अनदर थिंग इज जब आप अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करते हो, देयर इज अ स्टेज व्हेन यू लव योर ओन कंपनी, मतलब रिकवरी गिव्स यू दिस मतलब बेनिफिट एंड एडवांटेज कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो, यू अडोर योर ओन कंपनी, मतलब व्हेन यू से दैट कि लाइक बोर्डम आ रहा है दैट मींस यू आर नॉट ओके विद योर सेल्फ, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, तो आपका रिश्ता जब आपके साथ अच्छा हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका मूड भी ठीक होगा। बिल्कुल, सी दैट रिकवरी आपको इस स्टेज में लेके जाती है, जो एवरीबॉडी जो भी प्रोग्राम फॉलो करेंगे कि आपको अगर आप मतलब निधि निधि की बेस्ट फ्रेंड है, निधि निधि की सहेली है, दैट आई अडोर माय कंपनी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे व्हेन यू फील दैट कि आपने रिस्पॉन्सिबिली सारी चीजों को इंफॉर्मेशन को हैंडल किया, तो यू गेट अ पैट ऑन योर बैक बाय योर सेल्फ ओनली एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हमें बाहर से वैलिडेशन क्यों चाहिए, फिर तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मैं अपने टास्क रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर रही हूँ। तो रिकवरी में मतलब अनादर की प्रिंसिपल जो काम करता है वो है बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, आप अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, आपकी इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट यू एबल टू रिस्पॉन्ड, इस टाइम पे आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है, आप वो सीखिए राधर देन कि आप रिएक्टिव बने।
एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ये सारा का सारा प्रोग्राम आपको क्या सिखा रहा है कि आप रिस्पॉन्ड करना सीखिए, क्योंकि रिएक्टिव तो आप पहले ही थे, तभी तो आप बैठे हो यहाँ पर. सो आप जब छोटी छोटी और बहुत लंबी लंबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात नहीं कर रहे, प्रोग्राम से बिल्कुल नहाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, अपने आप को ग्रूम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, अपने खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, अपनी सैर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो. जब आप अपने लिए ये प्रायोरिटाइज करते हैं सेल्फ केयर, देन यू आर ईज आउट, देन यू आर कंफर्टेबल. एंड आई वांट टू रीइंफोर्स हियर के आई फॉलोड ऑल द थ्री स्टेप्स, आई हैव बीन इन थेरेपी एंड आई टेल यू बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली. मैंने खुद, क्योंकि मैं भी बहुत इससे बड़ी वो थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं जरूरत, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज मेरा पेशेंट ठीक हो रहा है और बहुत अच्छा वो कर रहा है तो मेरे में भी वेलबिंग आ गई है. पर नहीं, वो जो वेलबिंग थी ना, वो इनिशियल वेलबिंग, वो बहुत सरफेस पे थी. वो अंदर जो बहुत इतने सालों से चीजें फंसी हुई है ना, वो एकदम से पेशेंट के ठीक होने से, आपकी जैसे आप कहते हो ना, पेशेंट टेक्स टाइम, तो फैमिली ऑल्सो टेक्स टाइम. एंड वी शुड गो फॉर इट. Asking for help is not a sign of weakness, rather it is a sign of courage. ये बहुत हिम्मत की बात है कि आप अपने लिए मदद मांग रहे हैं, क्योंकि पर हमारा माइंडसेट क्या है कि आई एम अ सुपरवूमन, जब लोग क्या कहेंगे कि मैं यहाँ पे किसी से मदद मांग रही हूँ, दैट मीन्स वो मुझे जज करेंगे और जज के पीछे क्या कहानी चल रही है कि आई एम अ वीक. सो rather asking for help is a sign of courage, कि आप हिम्मत से अपने लिए स्टैंड करके मदद मांग रहे हो कि ये मेरे बस की बात नहीं, तो मेरी मदद कर दीजिए. सो इसी को ही बोलते हैं पावर ऑफ अदर्स को एक्नॉलेज करना. प्रोग्राम क्या सिखाता है कि पावर ऑफ अदर्स को एक्नॉलेज कीजिए, कि आप सब कुछ अपने हिसाब से अपने दम पे नहीं कर सकते, दूसरे है जो, वो कोई पावर है जो आपकी मदद करेगी, जस्ट सीक दैट हेल्प. ये फैमिलीज के लिए निधि मैम बहुत बड़ा पॉइंट है, स्पेशली लेडीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज होता है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है सब कुछ खुद करो, तो मदद मांगना इज अ वीकनेस. और हमारा प्रोग्राम कहता है मदद मांगना इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का साइन है ये. क्योंकि मदद जब आप मांगोगे आपको लगेगा अच्छा मैं नहीं कर सकता, मेरे को दूसरे से करना पड़ रहा है. और ये वाली चीज सबसे बड़ी और लेडीज में बहुत ज्यादा है, स्पेशली जब दवाई की बात आती है, नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मैं संभाल लूं. ये जो एक सुपर वुमन का सिंड्रोम है हमारी इंडियन विमेन में, है ना, मतलब मेरे में भी बहुत था. बड़े सालों तक मैंने सर की बात नहीं मानी और दवाई नहीं खाई, मैं कर लूंगी, आई मैनेज. क्योंकि मुझे भी ये सुनने को ही मिलता था 24 घंटे, तुम तो संभाल लोगी, तुम तो स्ट्रांग हो. तो ये इतना ज्यादा अंदर घुस गया था कि मैं भूल गई थी भाई मेरा भी ब्रेन है और मेरे भी केमिकल्स हैं, मैं कोई किसी और टेक्नोलॉजी से नहीं चल रही, मेरे को भी सेम भगवान ने उसी टेक्नोलॉजी से बनाया है. तो ये वाली चीज बहुत बहुत फैमिलीज के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब दिमाग की बीमारी की दवाइयों की बात होती है तो बहुत मिसकंसेप्शन है, लग जाएगी, सोती रह जाऊंगी, मैं कोई पागल हूं, है ना, और मतलब बहुत सारे वहम है. बाकी दवाइयां हम वैसे ही खाते रहे, जिनको हमने चेक ही नहीं किया, जिनको चैलेंज ही नहीं किया. आज से अगर हम पहले या बहुत साल पहले बात करते हैं, ठीक है, तो शायद हम इस चीज को एग्री कर, बट नाउ साइंस हैज एडवांस्ड. अब हर चीज में देखते हैं कि इतना, मतलब रोज ही कोई नया वेरिएशन, नया मॉडल, नई वो अपडेशन आ रही है, तो मेंटल हेल्थ में क्यों नहीं आएगी. एक चीज और मुझे जानना है, जैसे पहले हम एक मिनट, वो माइक. हाँ जी, अब आपके क्वेश्चंस और शेयरिंग टाइम है. जब हम मेडिकेशन की बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने अपने पेशेंट को कई कई जगह पे दिखाया, तो वहां पर कहीं मुझे ये सुनने में आया कि जो जो हमने, जो डॉक्टर ने जो दवाइयां यूज की वो बड़े पुराने टाइम की थी और वो कहीं पे मिल नहीं रही थी. तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ, यहाँ पर जो हम अभी पेशेंट है हमारा, यहाँ पर जो हम मेडिसिन और चीजें जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो एडवांस चीजें आई होंगी जिसमें साइड इफेक्ट्स कम होंगे,
हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारे पेशेंट को वही दवाइयां मिल रही हैं आपके पास से, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? डेफिनेटली मैम, क्योंकि मैं मतलब यहाँ पे थ्री साइकाट्रिस्ट जिनके साथ क्लोज बाय वर्क करती हूँ, ठीक है, वैसे तो बड़े सर भी हैं, ठीक है, डॉक्टर भाटिया, वी हैव अनदर टू साइकाट्रिस्ट, ठीक है, जो फुल टाइम वहाँ पे हमारे साथ होते हैं, हमने उनको इतना कीनली देखा कि ये नहीं ये डालेंगे कि इससे ये ना, ये मेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन रही. वी आर फॉलोइंग डॉक्टर्स बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस व्हिच आर अवेलेबल बिकॉज़ एवरीडे रिसर्च इज हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग, न्यू थिंग्स आर कमिंग. जैसे बहुत फैमिलीज को बोला जाता है कि ये लॉन्ग टर्म इंजेक्शन है, दीस थिंग्स आर देयर विद जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं. सो एवरीडे इवन सर हैज ग्रोन अप. अगर आप सर को 15 ईयर्स पहले मिलते, 10 ईयर्स पहले मिलते, तो उनका उस टाइम के अकॉर्डिंग था. जैसे उस टाइम इतना ज्यादा फैमिली प्रोग्राम स्ट्रांग नहीं था, इवन थेरेपीज और ये सब चीजें नहीं थी. तो जैसे जैसे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, साइंस इज एडवांसिंग, इवन सर हैज ग्रोन अप विद दैट, इवन डॉक्टर्स आर ग्रोइंग अप विद दैट. एंड वन थिंग इज लाइक कि मतलब आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर भाटिया की जो लेटेस्ट वो आइडिया सुन के आते हैं, एक ट्रीटमेंट अप्रोच देख के आते हैं, he is very keen and open minded in using that. Yes. Okay. I have seen sir closely. मतलब he comes from like I went to this rehab and they were working like this, so why not? Because he has only one goal कि patient को ठीक करना है और उसके लिए उनको कोई better भी idea आता है कोई medication की, अगर therapy medical ये psycho थेरेपी होगी या ये फार्मा थेरेपी होगी, कुछ भी हो गया, ही इज वेरी इंटरेस्टेड, गोल इज वेरी क्लियर. एंड दैट इज व्हाई नो अदर हॉस्पिटल यू विल फाइंड कि अगर साइकेट्रिस्ट चाहिए तो साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट चाहिए तो वो भी है, दवाइयां भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं. अच्छा, फैमिली पे वर्क करना है तो दिन की ये दो मीटिंग्स भी हैं, चाहे डॉक्टर यहाँ पे रात को 9 बजे बैठे, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज करा आफ्टर ऑल दीज इयर्स कि फैमिली इज द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट. जब तक फैमिली पे काम नहीं हो, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता. सो दिन की ये दो मीटिंग्स, फिर प्राइवेट सेशंस में आपको फैमिलीज को नीचे बुलाया जाता है, फैमिली काउंसलर्स मिलते हैं. जसबीर सर इतने साल से जुड़े हैं बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू दिस, पेशेंट इनके साथ रिलेट करते हैं. शायद एक मदर को इतना होप डॉक्टर से साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलता जितना वो शायद किसी माँ को सुनने की, हाँ मेरा बेटा भी ठीक हुआ. सो मतलब हमने ही इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न कि रिमोट, आई मीन सॉरी लेते ही ले लो प्लीज. I mean, I was just wanting to just say, add to what Namta and Nidhi and we've got so many patients coming from abroad, like Australia, you know, developed countries. And also because of that, and sir's son, who's a psychiatrist there in England, and daughter-in-law also, उनके साथ बहुत actively अपना सर की अपना discussion चलती रहती है. The latest thing which are coming to this particular line. Because we ourselves see that हमारे जो group बना हुआ hospital का, if some read some research, he's going to share up with the whole hospital group. And it's been years. अगर कोई medicine आ रही है तो he's going to put it in the group की see that. ठीक है, if there is some treatment approach, his sir is going to put that. ठीक करो, क्योंकि he is very clear. कि मेरा पेशेंट आया है, ठीक है, जो इतनी पेन में आया है उसको ठीक करके भेजो. एंड उसमें ही इज वेरी वेलकम एंड वेरी ओपन टू पीपल्स आइडियाज. मतलब अगर हमने देखा है तो ही दैट मींस क्या शो कर रहा है, ही इज इन कांस्टेंट लर्निंग मोड, वो स्टैग्नेंट नहीं हुए, इसलिए वेलकमिंग है कि जब भी कुछ नया आ रहा है वो उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार है. एंड इट्स नॉट कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमने डॉक्टर भाटिया की तारीफ करनी है एंड ऑल. मैं एज अ मदर, as a wife, मतलब I have worked with many doctors in Gurgaon, Delhi, and मतलब ये एक personal मतलब मेरा experience है कि I went to few doctors, they said मतलब वो admit करने को तैयार नहीं है, वो ये करने को तैयार नहीं है कि हम ये दवाई नहीं देंगे, ये देंगे, और नहीं ऐसा अभी नहीं हो रहा है.
एंड आई फुली अग्री विद डॉक्टर भाटिया व्हेन ही सेज कि हादसे का वेट करें या पहले से हादसे को संभाल लें. आई मीन दिस इज वन थिंग वेर आई अंडरस्टैंड कि अगर ट्रेडिशनल होना पड़े, अगर दवाई स्ट्रॉन्ग भी देनी पड़े तो हम उस स्टेज से तो पेशेंट को बचा सकते. जबकि मैंने साइकेट्रिस्ट को ये कहते सुना है नहीं नहीं अभी ऐसे देने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है. पर डॉक्टर देख सकता है कि नेक्स्ट स्टेज यही होने वाली है. मतलब मैं एज अ मदर तो ट्रेडिशनल उसको फॉलो करूंगी कि अगर स्ट्रॉन्ग दवाई दे के मैं अपने बच्चे को एक एपिसोड से बचा सकती हूँ, हादसे से बचा सकती हूँ, तो आई एम रेडी टू गिव दैट मेडिसिन. सो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे कंट्री में मिसिंग है. सो इस प्लेटफॉर्म में, इस हॉस्पिटल में आई डोंट थिंक सर कुछ भी छोड़े. अच्छा फैमिली नहीं समझी, चलो उसको भी समझाओ, चलो पेशेंट के लिए ये भी करो, सब कुछ करो. इतनी सारी चीजें हमें चाहिए क्योंकि हम इतनी पावरफुल और कनिंग बीमारी के साथ लड़े हैं. बीमारी से लड़ना आसान नहीं है. तो अगर यहाँ पर भी बैठ के एज अ मदर, एज अ वाइफ, मुझे बहुत दुख होता है जब फैमिली अपनी कॉमन सेंस यूज करती है. मेरी तो रिकवरी तभी शुरू हुई जब मैंने अपने दिमाग पे ताला लगाया कि भाई तुम इंटेलिजेंट होगी, तुम डॉक्टर नहीं हो. तुम्हारा अपना कॉमन सेंस को बंद करो, अपनी अकल को बंद करो और डॉक्टर को फॉलो करो. एंड फ्रॉम फर्स्ट डे इन 2011 आई जस्ट सरेंडर्ड टू द डॉक्टर. मैंने अपना अपनी सियानप नहीं यूज करी. मैंने अपनी सियानप बहुत यूज कर ली थी. हम सब कुछ यूज कर कर के यहाँ पर आते. सो मतलब अगर ये वाला प्रोग्राम, मतलब हम, मैंने ही कह रही कि 5-star बिल्डिंग है, इस तरह से लग्जरी मिलेगी. जो फैमिलीज बोलती हैं अच्छा एसी लगा है, अच्छा कमरा कैसा है, अरे भाई जिंदगी हमारी हिली हुई है, अभी हमें कमरा देखना है. घर के कमरे से बेटर कमरा कौन सा हो सकता है. सो ये फैमिली का माइंड सेट है. बट द प्रोग्राम आई कैन रियली वाउच विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि इस प्रोग्राम में भी रहकर अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, वो दुनिया में कहीं नहीं ठीक हो सकती, हो ही नहीं सकता. बिकॉज फैमिली को इतनी सपोर्ट चाहिए, फैमिली को साइको एजुकेशन चाहिए, फैमिली मतलब अपने आप अंदर इतनी पेन में है, कौन समझेगा, कोई नहीं समझता. नो रिलेटिव्स, नो फ्रेंड, नो सोसाइटी. सो इतना कुछ मिलने के बाद भी कई बार जब फैमिलीज बिल्कुल अड़ जाती हैं, नहीं सुनती, अपनी कॉमन सेंस यूज करते हैं, आई मीन आई एक्चुअली गेट वेरी अपसेट कि क्यों नहीं इस माँ को समझ में आ रहा, क्यों ये फादर ऐसी एक्शन कर रहा है. यू नो इट्स वेरी वेरी सैड. एंड नॉर्मली वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ 3 P's, दैट इज प्रोफेशनल, पेरेंट्स एंड पेशेंट. और बहुत सारे हॉस्पिटल पे मुझे नहीं लगता कि इस ट्राइंगल पे, इस स्ट्रक्चर पे काम किया. फैमिली में तो कहीं नहीं हो रहा होता दिमाग. यू सी दैट कि एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोफेशनल बैठा है, आपका पेशेंट बैठा है और पेरेंट्स भी बैठे. सो दिस इज दैट सेटअप. आप देखिए कि लाइक द विजन द सर हैज. दीदी एक चीज तुम्हें और देखी होगी, डॉक्टर साहब जो दवाई लिखने लगते ना एको बार ऐ करके दवाई नहीं ले, दो बार उन्हें दो तीन बार पेन घूमता है. कई बार दवाई मैं फैमिली की कैपेसिटी भी दवाई कट के लिख देना कई वे फिर क्योंकि मैं सर की है वो भाई दवाई लिखी पर फैमिली की कैपेसिटी नहीं हैगी. मैं दवाई तो पेशेंट की लिखी है. बिलकुल सही कहते हैं भी जे पेशेंट घर जाके पंगे पैने फैमिली की इन्नी कैपेसिटी नहीं हैगी. फैमिली के घर जाए कौन फड़े मैं तेरा हो लख रुपया लाया तेरे तेरे फिर वो चले. फैमिली की अपनी कैपेसिटी नहीं हैगी गल समझो. डॉक्टर को दवाई लिख लगे सारे एंगल देखने पेंदे आ भी जे इन्हें यह बिहेव किया इन्हू मेडरा आया ये थोड़ा जा प्रलोंग हो गया तो फैमिली का की हाल होना. दवाई बड़े सोच समझ के लिखनी पैंती है. मैं तो 20 साल हो गए मैं तो डॉक्टर साहब ने जो वेखदा वो दवाई लिखन लगे ना बल्कि 10-15-20 सेकेंड सोचते हैं भी कि दवाई लिखी जाए क्योंकि वह लिवर भी इस तरह का वा, किडनिया भी इफेक्टेड हुई हैं, पैंकेटाइस भी प्रॉब्लम है, ब्रेन च भी प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम भी प्रॉब्लम है, कितना कुछ डॉक्टर ने देखना पैंदा. एंड डेली बेसिस पे हम देखते हैं. जब हम हर्मिटेट में होते हैं सर होते हैं कि अच्छा लिवर के अभी टेस्ट उसकी डी रेंज्ड है, ये नहीं डाल सकते,
ठीक है, उसका अगर ये हम डालेंगे एंटी डिप्रेसेंट, ये हो कि मेनिया का फेस उसको स्विच कर जाए, बिल्कुल एवरीथिंग ही सीज दैट हिस्ट्री में, ही कीप्स ऑन आस्किंग कि क्या क्या था मतलब. तो इट्स नॉट दैट कि जब हम कह रहे कॉम्बिनेशन जो दवाइयों का देना है, ही पर्टिकुलरली सीज दैट. कई बार तो वेखा डॉक्टर साहब ना पेशेंट पेशेंट वाल घट वेखते, फैमिली वाल ज्यादा वेखते, फैमिली च कड़े कड़े सिमटम है, क्योंकि वह भी तो कितना कितने पेशेंट के आए ही हुए फिर दवाई बड़े बड़े हिसाब न दवाई देनी पैंती है. दीदी गल सारी मुकती यही भी घर के सिर्फ नशे के खलोते ही, शराब से खलोते आ, ड्रग से खलोते आ, ओपीएम से खलोते आ, एंड घर के वेखते रहते हैं हम करता वा तो हमने नहीं करता, बस नहीं करता तो ठीक है, करता वा तो माड़ा वा, बस इस तो गांव जो लंबा चौड़ा प्रोसैस है ना, जो बड़ा ब्रॉड प्रोसैस है, घर के उत्थ तक जाते ही नहीं, ते कामयाब वो है जिहड़े ब्रॉड प्रोसेस अडॉप्ट करने, मतलब फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोसेस, मतलब नशा छुड़ाने छुड़ाने से जगह प्रोसेस, रिकवरी का जो एक प्रोसेस है उसमें आप बात याद आ गई, सीसीटीवी के खर्चे की जगह फ्लाइट का फ्लाइट पे स्पेंड कर देना वो मनी. मैं कहना देखो 20 साल हो गए मैं बेचदा कुर्सियां, 20 साल हो गए मैं, 20 साल हो गए मैं कुर्सियां पे बेचदा, देखो बीमारी कितनी पक्की तो लंबी होगी, डॉक्टर ने भी कुछ वेख के कुर्सियां मंगाई होनी पक्या कुर्सियां 20 साल मेरे वेखते हो गया, कि डॉक्टर का विजन कितना स्ट्रोंग है भी ये बीमारी किसी वेले भी फुट सकती है. है ना अपने घर एक बोर्ड छोटा जा रख लो भी साढ़े घर एक दिमागी बीमारी का मरीज है, आ चेते रखा करो, रोज सवेरे उठ के एक बार अपने आप नया करो भी साढ़े घर एक दिमागी बीमारी का मरीज है, शुक्र है रब्बा अरे आप सारे बचे. पर जो न्यू फैमिलीज बैठी होती है ना सर, जब हम ये बातें करते हैं तो उनके दिमाग में अच्छा अच्छा पूरी उम्र का स्यापा है, ये पूरी उम्र यही करना है हमने, ऐसा नहीं है. अब जिनको आप ठीक देख रहे हो, ये प्रोग्राम सिर्फ भाटिया हॉस्पिटल में कुर्सियां नहीं है, ये प्रोग्राम को हमारे अंदर फिट हो जाता है ये प्रोग्राम. तो द थिंग इज कि अगर हमारे हमें जुड़े रह रहे हैं और हमारी लाइफ भी ठीक चल रही है, हमारी रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट. बट जो नई नई फैमिलीज बैठती है ना, उनको लगता है कि अच्छा पूरी उम्र हमने ठीक ही नहीं होना, ऐसा नहीं है. नहीं नहीं, उनके अंदर मिसकंसेप्शन ये चलता है कि अब हम पूरी उम्र इस हॉस्पिटल में रहेंगे. बिल्कुल, सो दिस इज देयर माइंडसेट कि उनको ये लगता है मतलब चंगे रहोगे अस्पताल में, जुड़े रहोगे चंगे रहोगे. वो जब वीर अंकल की बात सुने की 20 साल से इस कुर्सियों में दुने गए ना, ले 20 साल में उन्हें फिर रह गया, मतलब है कि अपनी कम्युनिटी से आप जुड़े रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको ये बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ प्रोसेस प्रोसेस एंड वी हैव टू बी इन द प्रोसेस एंड वी नीड द सपोर्ट. सो रिलैप्स नहीं होगा और हम बेहतर तरीके से अपने पेशेंट की देखभाल करते रहेंगे, वो मैनेजेबल होगा. बिल्कुल, ये फेलोशिप है, ठीक है, फेलोशिप मींस कि हैविंग वन गोल, और यहाँ पे गोल सबका क्या है, टू गेट बेटर, टू रिस्टोर दैट पीस. तो उस फेलोशिप में ये सिर्फ एक सपोर्ट ग्रुप बनने जा रहा है कि जो बातें बाहर नहीं की जाती वो यहाँ पे की जाती है, क्योंकि घर बैठ के लगता था कि व्हाई मी, जब आप यहाँ पे इन कुर्सियों में आते तो आपको लगता है कि नहीं यार बहुत सारे लोग मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, और बहुत सारे लोगों की पेन मुझसे ज्यादा है. जब आप ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस सुनते हो तो घर में हमें अपना दुख बहुत बड़ा लग रहा होता है, जब हम यहाँ इन कुर्सियों में बैठते हैं और दूसरों की जब स्टोरी सुनते हैं वो हमें स्ट्रेंथ देती है कि नहीं यार शी हैज मच मोर हर अपनी लाइफ में मिजरी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस फेलोशिप एंड सपोर्ट ग्रुप हेल्प्स यू, इट गिव्स यू दैट पावर. हीलिंग यहाँ से शुरू होती है कि मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, नॉट मी बट आई, वी कैन डू इट टुगेदर. दैट इज द थिंग. थैंक यू. मैं मेडिकेशंस के बारे में बताना चाहूंगी. मैं इससे पहले भी 6-8 महीने मेरे हस्बैंड का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, बट व्हेनेवर डॉक्टर ट्राइज टू गिव हिम एनी मेडिसिन ना विद एसिडिटी या डिजीनेस हेडेक्स, तो जब ये फर्स्ट डे से यहाँ आए मैं इनसे पूछती थी आपको कुछ हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रहा है. इवन सिंपल अगर लिवर मेडिसिन में भी अगर हम मल्टीविटामिन भी एक ही ब्रांड का इनको सूट करता था, अगर डॉक्टर वो मल्टीविटामिन भी चेंज करता था, ही वॉज हैविंग ऑल द सिम्टम्स. तो लिवर फंक्शन टेस्ट इनके सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए उसके बाद भी जब ये यहाँ पर आए, बट ऑलवेज ही
they are not taking care of my liver. मैं क्या how they are not taking of your liver? Your tests are improving drastically. तो उन्हें भागना है. तो इसको लेकर ही तो भागना है hospital. और मैंने और मेरा every time the same question I ask him. You have no acidity और इतने alert हो oriented हो. मैंने क्या मतलब घर पे जब तुम psychiatric. We need to understand that कि primary illness इस आपके case में था alcoholism. ठीक है. Yeah. और उसके अंदर सेकेंडरी इलनेस आ रही थी जहां पे लिवर के सारे टेस्ट डीरेंज्ड आ रहे थे. तो प्राइमरी इलनेस का जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो जब हमने एब्सटेन किया अल्कोहल के साथ तो नेचुरली जो सेकेंडरी इलनेस उसके साथ आई थी वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी. और सबसे बड़ी बात, यू आर फ्रॉम मेडिकल फील्ड, दुनिया का कोई भी डॉक्टर अगर लिवर स्टेबल नहीं है और दवाई वो दे नहीं सकता, लिवर तो छन्नी है. महीने की कम से कम दो तीन होती है जिनको डॉक्टर बोलते हैं नाउ यू प्लीज गो टू सम अदर हॉस्पिटल, अब मैं इलाज नहीं कर सकती. यहीं पे बहुत सारे केसेस होते हैं कि सर रेफर देम टू मल्टी स्पेशलिटी, क्योंकि हमने ये बात कल बहुत क्लियरली की थी कि हम पेशेंट के प्रोग्नोसिस बहुत क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बताते हैं. जब हमें पता है कि यहाँ का केस नहीं है, हम क्लियरली रेफर कर देते हैं कि अब पानी सर से निकल गया है, दैट स्टेज हैज गॉन, कि पेशेंट के हम उसकी बॉडी के फंक्शनिंग्स को संभालेंगे कि उसको रिकवरी प्रोग्राम सिखाएंगे. यहाँ पे अगर उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई जहाँ उसके टेस्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उस बंदे से क्या बात करोगे, उसे प्रोग्राम में कैसे चलना सिखाओ. गल मैडम जी फिर उत्थे आ जानी है, इत्थे दिमाग दा इलाज करदे आ, बाहर शराब दा इलाज करदे या लिवर तक करते, जो दिमाग ठीक हो गया लिवर आप ठीक हो जाना. एसिडिटी कई बार ना विड्रॉल दे विच आंदी है, कॉन्स्टिपेशन विड्रॉल आंदी है, डायरिया विड्रॉल आंदा वा. और इसीलिए हमने बोला कि हमारे पेशेंट्स के लिए भी नॉर्मली आंसर हमसे ये पूछते हैं हालचाल बाद में पूछना, मूड बाद में पूछ लेना. हाँ. पहले ये पूछ लेना पेशेंट से इन राउंड वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि सर पेट क्लियर हो गया आपका. हाँ. पेट साफ है, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन में हमें पता पेशेंट बताता नहीं हमें और वो फिर अमोनिया लेवल उसका बढ़ता है और पेशेंट हमारा उसमें जाता है अनकॉन्शियस कंफ्यूजन में जान कॉन्शियस होता है. सो वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड लाइक दैट कि पहले पूछ लो पानी पी रहे हो सर, रफेज ले रहे हो, सैलेड ले रहे हो, पेट साफ हो रहा है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.